बेसिकली एक ऐप है, दिस इज एन ऑल वुमेन्स रेडी. कहाँ देखूँ? अच्छा वो उधर बोल रहे हैं सेंटर. अच्छा तो कोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन. इट इज़ कम टुगेदर, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटो. मेरी उसमें एक कम्युनिटी है, इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्जी. मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी. और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेम्बर्स हैं, रोज़ मेम्बर्स ज्वाइन करते हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग ईच अदर परस्पेक्टिव हाउ टू लिव लाइफ, वॉट टू डू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू नो यू आर कन्फ्यूज अबाउट डिसीजन मेकिंग या एनी डिसीजन इन लाइफ, जहाँ पर आपको लगता है दैट यू नीड टू टॉक, तो हम सब हैं, यू नो वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर, फॉर वी आर देयर टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर म्यूचुअली. तो मुझे इसीलिए मेरी मर्जी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा. उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डाइट, विमेंस हेल्थ, यू नो बहुत कुछ है उसमें. जी हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्जी, तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माय मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माय कम्युनिटी मेंबर्स, तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी. सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग. इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, यू नो नॉट टू पुट वेमेन डाउन, मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर. एक ही लाइफ है, यू नो अक्सर बोलते थे दैट वेमेन डोंट गेट अलॉन्ग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हेयर टू चेंज दैट. कफस, हाँ जी जी. एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इट रिलीज्ड ऑन 23rd. हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है. सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस. पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज इट मीन, क्या है कफस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है, इट्स अ गुड फीलिंग. एनीथिंग एल्स? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं, एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है, इट्स आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. बिल्कुल नहीं, जिसका नहीं था. हाँ डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है, एक बार मेरा पैकअप हुआ था एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी, अबाउट 9:25-9:30 हो चुके थे, और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं, इट वाज अ गुड फीलिंग. देखिए ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ.
यू नो इतनी स्टोरीज हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं, वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, दो हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग यू नो वेरी वेल फॉर द थिएटर्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए। मैं तो कहाँ से टिप दूंगी, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट। जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया। आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज, बिकॉज भी हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। या दैट्स इट। क्या क्या रहेगा इसमें, देखिए मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्ज़ी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से यू नो हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो। यू नो आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज। हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही जिंदगी है और उसे खुल कर जियो। देखिए बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट इफ़ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। जी मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दिए हैं, तब जाके मुझे यू नो इंडस्ट्री में पहला मौका मिला था। मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए, और मैं वापस पूना चली जाती थी। आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना। एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी। कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था। सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज होप एंड कीप ट्राइंग। नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं 3 रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, यू नो ऑल दैट। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज़ जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी। नहीं, नॉट दैट काइंड ऑफ अ शो, इट्स नॉट मेंट फॉर मी। इट्स वर्किंग, पीपल आर वॉचिंग, मैं नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता। मैं बिंदास हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ। नोबडी कैन फोर्स मी टू चेंज, यू नो आई एम हु आई एम एंड आई लव हु आई एम। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि यू नो जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है, सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर। और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट यू नो इट्स बीन 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड इन 2003, आज 2023 है, सो आई एम स्टिल डूइंग यू नो न्यू स्टफ, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग न्यू स्टफ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए काम मिलना ही मुश्किल होता है,
लोगों को काम नहीं मिलता है. एंड हियर आई एम अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ न्यू शोज, ओटीटी. आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. थैंक यू, थैंक यू. आज गुरु पूर्णिमा. यस यस यस. जो आई थी